गाइस, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आपका रईस आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस समय मैं बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में हूँ, जहाँ पे पॉटरी के बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दिवाली में दिए यूज होते हैं, और गर्मी में मटके के लिए ठंडे पानी के इस्तेमाल करने वाले मटके यूज होते हैं। मिट्टी के सारे जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तैयार होते हैं, यहाँ पे आपको होलसेल रेट में मिलने वाले हैं। तो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं इस बिजनेस को कैसे करते हैं, और इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इस बिजनेस को शुरुआत करने में कितनी मुश्किलें आती है, और सारे डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो सर, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ आपका रईस। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विक्की है। हाँ, मैं यहाँ का ओनर हूँ, प्रांजल चौहान पॉटरीज का। ओके सर, आपने इस बिजनेस की शुरुआत कब की और कैसे की सर? ये बिजनेस तो मेरा लाइफ अपना मेरे ग्रैंडफादर से चालू है, 80 इयर्स से। ओके, फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, फिर अलग हुए, पापा के साथ था, मेरा बाजू का शॉप था। हाँ, फिर मैंने ये अपना अलग किया, आज 4 साल हो गया है। अच्छा, तो सर, हमारे व्यूअर्स जैसे अभी नए इस मार्केट में घुसे, बहुत लोगों को होता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ, सर अभी जैसे पॉटरी के बिजनेस में किन किन लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए, कैसे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं? नहीं, जो हैंड टू हैंड दे सकते हैं, लोग सब बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे होलसेल का मार्केट, ऑनलाइन भी बहुत जन लेके जाते हैं हम लोग से, जो डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। अच्छा, तो सर बेसिकली स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट होता है इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए? 50,000 रुपया रहेगा तो बहुत हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। आपको स्टॉक रखना पड़ेगा ऑनलाइन के अंदर, आपके पास स्टॉक रहना चाहिए अगर आप ऑनलाइन चालू करते हो तो। ओके, क्योंकि हम लोग होलसेल में दे देंगे तो आपको वो चीज डबल ट्रिपल प्राइस मिलता ही है। अच्छा, मिनिमम 50,000 रुपया चाहिए, उससे कम जैसे कम ज्यादा कर भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करना है थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत में हम थोड़े बहुत मतलब कर सकते हैं थोड़े पैसे से। तो सर, इस बिजनेस को कैसे करते हैं, मतलब आप कितने साल हो गए सर इस बिजनेस को आप? मेरे को तो 20-25 साल हो गया है। मैं तो दुकान लेके बैठा हूँ, तो दुकान पे कस्टमर आता है, बहुत जन को डोर टू डोर जाना पड़ता है, कोई ऑनलाइन करता है, कोई अपने रिश्तेदारों को देता है, फिर वो लोग से धंधा लेता है, ऐसा है। तो सर, आप इस बिजनेस को आप 20-25 साल से कर रहे हो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सर, तो आपको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस बिजनेस में? होता है कभी कभी बिजनेस में ऊपर नीचे तो रहता ही है, कभी ट्रांसपोर्ट का, कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है। हाँ, कभी हम लोग का भट्टी में पूरा का पूरा माल खराब हो जाता है। ओके, तो रहता ही है वो, तो थोड़ा बहुत रहता है, मतलब रिस्क रखना ही पड़ेगा, मट्टी का सामान गिरा टूटा खत्म। तो सर, मेरे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जब आपने स्टार्टिंग में बिजनेस की शुरुआत की थी, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, और कैसा मतलब रेंट पे आपने दुकान को लिया था, कि क्या प्रोसीजर था आपका? मेरा दुकान तो रेंट पे ही था, और मेरा क्या मार्केट में एक नाम था। हाँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत क्रेडिट भी मिल जाता है ऐसा। ये बिजनेस को हमने सेटअप कर दिया। हाँ, जैसे हमने सारे इन्वेस्टमेंट, जैसे 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी बिजनेस थोड़ी बहुत बिजनेस की गाड़ी चल चुकी है, समझ जाओ। तो सर, अभी महीने का या एक साल का प्रॉफिट निकलता, महीने का प्रॉफिट निकलता रहेगा, तो अभी मैंने जैसे 50,000 रुपया डाल दिया, तो हमारा कितना महीने का प्रॉफिट हो जाएगा? डिपेंड्स, आप कितने में बेचते हो। हम लोग तो 1 रुपये में बेचते हैं, 1 रुपये 5 का चीज है तो 5.5 रुपये में दे देते। अभी आप 5 का चीज 25 में बेचो या 50 में बेचो, वो आपका प्रॉफिट आपके ऊपर है, आप कितना प्रॉफिट और मार्जिन लेते हो। मुझे जानना है कि पॉटरी में दिए भी आते हैं, बहुत सारे बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसे वैरायटीज के आपके पास इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे अभी आप दिवाली के सीजन में तो दिए चलते हैं, जैसे ऑफ सीजन आ गया तो उसमें आपका क्या बिजनेस ज्यादा चलता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है ऑफ सीजन में? हमारा खाना पकाने का हांडी है। हाँ, होटल्स वगैरह में सब हांडी पार्सल के लिए जाता है। हाँ, वो सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर पानी का मटका हो गया। हाँ, वो सब हमारा ऑफ सीजन में रहता है। उसके बाद क्या, जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे हम लोग को इको फ्रेंडली गणपति बनाता हूँ मैं। ओके, इको फ्रेंडली गणपति भी बनाते हैं हम लोग। हाँ, पर लार्ज क्वांटिटी में, घर के लिए नहीं देते, जो बेचते हैं उनको ही देते, बाकी नहीं। ओके, इसके लिए तो आप होलसेलर हो ऑलरेडी, कि वो अपने रिटेल में तो रिटेल करते हैं, नहीं ओनली होलसेल। उसके अंदर व्यूअर्स है, उनके दिमाग में बहुत डाउट होता है, अरे मैंने बिजनेस तो डाल लिया, लेकिन इस बिजनेस को करना कैसे है, बहुत लोगों के डाउट होता है ना, मैंने 2 लाख रुपए डाल दिया, अरे प्रॉफिट होगा क्या, करना कैसे, इस बिजनेस को कैसे करेंगे? तो हमारे व्यूअर्स को आप पूरे डिटेल्स में बताइए, क्योंकि सर ये पॉइंट ना क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस बिजनेस को आप कैसे मैनेज करते हो और कैसे करते हो, सारे डिटेल्स में आप मुझे बताइए। हम लोगों को तो पहले तो मार्केटिंग करना पड़ता है,
मेरा तो दुकान है, मगर अभी आप चालू कर रहे हो तो आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, उसके लिए आदमी भी रखना पड़ेगा। मिनिमम कितने स्टाफ रखने पड़ते हैं? जैसे अभी छोटी सी दुकान मैंने खोल दी, छोटा सा रखा तो एक स्टाफ से हो जाता है, एक आप और एक वो, ऐसा आदमी क्या बात करने वाला भी चाहिए बराबर, कस्टमर बनाने बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सर मैंने समझ एक स्टाफ रख लिया, उसके बाद मार्केट में उतरने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, किस किस की प्रॉब्लम की सेफ? प्रॉब्लम तो नहीं आती है क्योंकि सेलिंग हो रहा है, सेलिंग नहीं होगा तभी प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। नहीं हो रहा है क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तो मार्केट अभी कभी गवर्नमेंट का रूल आ गया कि भाई आज दुकान बंद है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो सब प्रॉब्लम रहता है, बाकी मट्टी के सामान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, नहीं होता, बहुत इजी तरीके से एकदम इजी तरीके आप आराम से कर सकते हो। अभी आपका तो मैन्युफैक्चरिंग हब में, तो हमारे व्यूअर्स जो अभी नया शुरुआत छोटा सा स्टोर खोलना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है उनको कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ हेल्प हो सकता है क्या? हेल्प बोले तो मैं मेरे शॉप से जो भी रेट रहेगा अच्छा रेट लगा के मैं उनको दूंगा, और उनको आइडिया बताऊंगा क्या भाव में बेचना है और क्या कौन सा प्रोडक्ट रखने, हाँ ये मैं बता सकता हूँ उनको। मतलब थोड़े बहुत आपसे कह देते, जैसे मुंबई में हमारे व्यूअर्स है, जैसे मुंबई में अपना स्टोर डालना चाहते हैं, तो आप उनको अपना बिजनेस आइडियाज भी दोगे जो नए? हाँ क्यों नहीं, बताएगा ना कि कौन सा आइटम कितने में बिकता है, हाँ। और कहाँ बिकेगा, कैसा आपका एरिया है, एरिया के हिसाब से मैं उनको माल बता भी सकता हूँ कि आप ये आइटम रखिए सस्ता वाला, आपका महंगा आइटम तो महंगा वाला बताऊंगा, ऐसा जो जो मार्केट जैसे जैसे जैसा मार्केट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस आप देख सकते हो, अगर आप अपनी खुद का छोटा सा स्मॉल ट्रेडिंग जैसे अभी कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं, आप अपनी मुंबई में जो विक्की भाई का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है मुंबई में आता है कुमारवाड़ा, मैं एड्रेस इनका आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मुंबई में रहने वाले हो, अगर बिजनेस की जल्दी से जल्दी शुरुआत करना चाहते हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में छोटा सा स्मॉल ट्रेड शुरुआत करना चाहते हो, तो गाइस कर सकते हो, विक्की भाई का फुल सपोर्ट है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दो। अपने छोटे से लोकेटी में कौन कौन से प्रोडक्ट चलने वाले हैं वो सारे जो भी बिजनेस का आइडिया है विक्की भाई बात को बता देंगे, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो विक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।